हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का डे है, संडे का है और मैं अभी किचन में हूँ। देखो, और किचन में बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं खाना बना रही हूँ, दोपहर का लंच बना रही हूँ। देखो, सब्जी बन रही है, ये मैं अंडा करी बना रही हूँ आज। और अभी किचन में काफ़ी काम फैला हुआ है, देखो बर्तन इतने सारे हो गए हैं। और साथ के साथ में चाय भी पी रही हूँ और ब्लॉग भी बना रही हूँ। देखो, मसाला हो गया, मुझे इसमें मसाला डालना है, यानी कि तड़का मेरा हो गया है, अब मसाला डालना है। और स्वास्थ्य का टिफिन मैं यहाँ पर इसलिए रख देती हूँ ना, क्योंकि जल्दी जल्दबाजी में होती है, मिल जाता है और सूख भी जाता है यहाँ पर। और ये देखो, स्वास्थ्य भी आ गया यहाँ पर, ये रहा। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। तो ये खेलने क्या हुआ था आज? आज नहा धोने के मेरे पापा वो दे दो। आज स्वास्तिक ने नहाने धोने के बाद खेलते हैं, इसने वो कर रखा है, पीले पीले कपड़े पहने ही, देखो पीला 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 बंदर लग रहा है, पीला लड्डू। तो अभी खेल रहा है, संडे के दिन थोड़ा एंजॉय करता है, खेलने के अलावा कोई काम तो है नहीं। मैं बनाती हूँ खाना, आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ मैं अपनी लंच की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये संडे का ब्लॉग है फ्रेंड, थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, जो कि मैंने आपको सभी को मैंने बता रखा है लाइव में भी, क्योंकि मेरे मुंह में हो रखे हैं छाले और उसकी वजह से ना बहुत दिक्कत चल रही है। मैं खाना वगैरह भी नहीं खा पा रही हूँ अभी, तो बोलने में ना थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे, तो उसकी वजह से ही एडिट नहीं कर पाई। और बस यही है, और मैं कर लेती हूँ, मैं अपने मसाले वगैरह ऐड कर देती हूँ। आप लोगों से जब मैंने पहले बात किया था ना, उसी में ही मैंने मसाले वगैरह मेरे हो गए थे, फिर मसाले नहीं, वो अरे लहसुन प्याज होता है ना, तड़का, यानी कि तड़का हो गया था, मसाला नहीं डाल रखा था, तो मसाला अब डाल देती हूँ, उसको अच्छे से थोड़ा सा पका देती हूँ। और स्वास्थ्य बार बार आके परेशान कर रहा था, तो थोड़ी सी चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, ताकि चाय पी सकूं। और ये सेकंड टाइम की चाय फ्रेंड्स, मैं कभी पी थी नहीं, बट पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे ना, संडे का दिन था, तो उन्होंने बोला मुझे चाय थोड़ी सी पिला दो, तो मैंने उनके लिए बनाई थी और फिर अपने लिए भी ले ली थी थोड़ी सी। आप जानते ही, मैं चाय वगैरह तो बहुत कम ही पीती हूँ, जब मेरा मन करता है तब पीती हूँ, और वैसे नहीं पीती। मेरे को जैसे एक होता है ना शौक शौक से, जैसे कि एक बनाते हैं लगभग सारे के सारे, है ना, तो वो वाला शौक नहीं है मेरे को। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में तो पहले से थी फ्रेंड्स, सॉरी। तो मैं अपने बर्तन धो लूँगी, तो बर्तन फ्रेंड्स मेरे मॉर्निंग के हैं, जो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था ना, तो वो धो रही हूँ बर्तन, सारे क्लीन कर लूँगी। और फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा था कि मेरे को इसमें से बर्तन चाहिए थे काफ़ी, थोड़े से तवा वगैरह चाहिए था, तो उसको धोने आई थी, बट मैंने वो उसको तवे को धोने के चक्कर में मैंने अपने सारे बर्तन को धो लिए थे। और स्वास्तिक भी इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो उसकी भी छुट्टी थी, तो इधर उधर बस वो नाचे जा रहा है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, परेशान करता रहता है मुझे। और ये देखिए, इस तवे को भी मैं धो दूँगी। तो फ्रेंड, जितने बर्तन थे मैंने धो लिए, कि यानी कि मुझे धोने पड़ते हैं एंड में जाके, है ना, तो मैंने सारा ना काम कर लिया था, मैंने सोचा कि सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना कुछ होगा, जो बाकी का काम होगा मैं कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ मैगी और मुझे भूख लगी थी। तो फ्रेंड्स मैंने ना दोपहर में कुछ खाया नहीं था, बना तो लिया था पर मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और जब मैं गुस्सा मुझे आती है ना तो मैं कुछ खाती नहीं, मुझे यही बात बहुत दिक्कत होती है और ना बस चिड़ता रहता है माइंड मेरा, यही परेशानी है। और मैंने चाय भी बना ली है साथ में, चाय को मैं डाल देती हूँ गिलास में। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के फ्रेंड्स 7 बज गए हैं, अभी तक मैं लेटी हुई थी और रात में ना बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब हुआ है, मैं बताती हूँ आपको, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये देखो ये रूम है, किस तरीके से मैं करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, कल ही मैंने इस चादर को बिछाई फ्रेंड, देखो क्या हालत कर देते हैं बिछा बिछा के। मेरे कान्हा जी वहाँ पर बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं इस समय पे, टीवी में नाटक चल रहा है अभी, तो मैं भी देख रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूं, है ना, बात करना भी कभी कभार ज़रूरत ज़रूरी हो जाता है। और स्वास्तिक भी अभी खेलने गया हुआ है, नीचे ही है वो, और आज मैं इस कमरे में थी महान हीरोइन बनके, एक मिनट। तो मैं आज कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताना, मैं अभी ना थोड़ा सा रेड हुई थी, उससे पहले तो मैंने ऐसे नेल कर रखा था, मैंने आज ना आईब्रो पे आईब्रो पेंसिल लगा रखी है, तो ज़्यादा ही काली लग रही है मुझे लग रहा है। और तो फ्रेंड्स आज मैं गुस्सा थी, गुस्सा क्या, मेरे को ना मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मार्केट जाने के लिए बोला था, ठीक है, ये ना कबूतर बैठते हैं आवाज करते हैं पैर करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने बताऊँ बोला था कि हम लोग मार्केट चलेंगे, ठीक है, और फिर एंड मौके पे मैच देखने बैठ गए और कहीं नहीं गए, मेरा मूड हो गया ख़राब। और फ्रेंड इसी बात पे मुझे गुस्सा आती है, मेरे को देखो या तो चलो या तो फिर या तो बोलो ही मत, ठीक है, इसी बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने फिर भी मैंने इतनी जल्दी फास्ट फास्ट काम किया है और बस यही सब, इसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था, अपसेट था। और अभी इसी कमरे में सारा दिन मेरा बीता है, रील्स वगैरह डाल रही थी, रील्स बना रही थी, माइंड ख़राब होता है तो ऐसे ही होता है। और ये देखो ये दूध है, ये तो कल का ही है, और ये दूध अभी मैंने मंगवाया है स्वास्तिक से, और आटा वगैरह लगा दिया, ये देखो थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा आटा है, और ये फ्रंट से आटा ही का ही कपड़ा है, तो आप गलत मत समझना कि कोई सा भी कपड़ा बिछा दिया है ना। तो ये देखो, और फ्रेंड्स ये देखो सब्जी वगैरह बनी हुई है, ये अंडा कड़ी है, और सिर्फ ये दो जने के लिए है, स्वास्तिक नहीं खाता ये अंडा कड़ी सब्जी, और ये देखो रसगुल्ले, तो सिर्फ 3 ही बचे थे इसलिए मैंने कटोरी में डाल के रख दिया, इसको एक ढाँक दूँ नहीं तो ना मच्छर से लग जाएंगे, अभी ना मौसम ना वो वाला हो रखा है, छोटे छोटे से मच्छर से आ गए हैं, तो अभी किचन फैला हुआ है, एक फिर फैला क्या ये ना निकाला है मैंने फ्रिज के अंदर से, कुछ सामान निकालने थे और कुछ सामान वो करने थे फेंक अलमारी में से, तो बस यही है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बोर सा लगा क्योंकि डेली मेरा किसी ना किसी करके टाइम पास हो ही जाता है, और आज मुझे कपड़े धोने थे बट मैं कपड़े इसकी वजह से ही मैंने कपड़े भी मैंने छोड़ दिए, मैंने सोचा कल कोई बात नहीं कल मशीन लगा दूँ, मशीन ही का है, कल भी मशीन लगाती आज भी मशीन लगाती, बट देखो धुल जाते तो कल नहीं लगाना पड़ता, एक टेंशन ख़त्म हो जाती है, बट मुझे कल लगाना ही पड़ जाएगा, है ना। और आज मैंने बाल देखो कैसे कर रखे हैं, खोले मैं आज मैंने वॉश किए थे, देखो मेरे ना इस हफ्ते में मैंने बाल धोए थे लास्ट टाइम दिवाली के अगले दिन ही धोया था, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग ना मार्केट में जा रहे थे ना, तो उस समय ना मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने कुछ पता नहीं पानी डाला या कुछ मेरे सर पे कुछ गिरा था, गीला गीला सा लगा था, तो मुझे ना घिनी से आती है, कोई काम वैसे कर लेती हूँ ना मुझे जब तक मैं वो पूरा ख़त्म नहीं कर लेती है तो साफ सुथरी नहीं हो जाती तो मुझे घिनी आती रहती है, थूकती रहती हूँ, मन बहुत ज़्यादा मेरा वो हो जाता है, घिनी वाला नहीं हो जाता जैसे देख देख के घिनी आती है, वही वाला हो गया था। तो रात का समय था, उस समय मार्केट जाते हुए शाम के समय गए थे, तो नेक्स्ट डे जब मैं नहाने गई ना तो मैंने वॉश कर लिया था, यानी कि 25 तारीख की डेट थी और उस दिन ग्रहण भी था, उस दिन मैंने बाल धोए, उस दिन के बाद फ्रेंड्स मैं नहाने के बाद ही तुरंत ही बाद
पोइंटल बना के मैं अपनी मम्मी घर गई थी। हाँ, और गीले बाल में ही चली गई, उसकी वजह से मुझे लग रहा है सर में दर्द हो गया, और 2-3 दिन लगातार मेरे सर में दर्द रहा है। फिर मैंने तेल भी लगाया, दूसरे तीसरे दिन लगाया था मैंने बाल, ठीक है, उससे भी आराम नहीं आया। फिर मैंने अभी आज भी सर धोया, संडे का डे है, तो ये देखो बाल कैसे लग रहे हैं ना। अरे ऊपर वाले पागल से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेंटल से कोई काम तो है नहीं। जब लोग कभी कुछ खसकाना, कभी इधर कुछ खसका देना, कोई काम नहीं है लोगों के। मुझे तो पता नहीं कैसे लगते हैं यहाँ के लोग ना, यहाँ के लोग ऐसे ही लगते हैं मुझे ना, कोई ढंग। मुझे ना पहले जहाँ हम रहते थे ना, वो सही लगता था, वहाँ पर इलाका वो सही था, कम से कम वहाँ पर ना तरीके से बात करते थे। और यहाँ पर ना कोई बात करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं बात करती भी हूँ तो अपने सिस्टर से करती हूँ, जो कि अपनी पूरी दिल की बात बताती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से जल्दी भी नहीं बताती, और अपने दिल की सारी बातें अपने बहन से बताती हूँ, और वो भी मुझे बताती हैं काफ़ी बातें। एक दूसरे को एक सहारा रहता है ना, कि हम लोग शेयर करते हैं, फ्रेंड की तरह सारी बातें शेयर करते हैं। तो बस यही है, और अभी मुझे रोटी बनानी है, सिर्फ खाना पीना बन गया है, रोटी बनानी है सिर्फ, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके की थाली होती है मेरी लंच डिनर। मेरे स्टोर चालू और फ्रेंड्स, ये मेरी विंटर की डलर से तो देखो ये अच्छी है ना फ्रेंड्स, और मेरे ऊपर अच्छी रहती है। बैक होके दिखाओ। हाँ, बैक होके दिखाओ। ये देखो फ्रेंड्स, और आई कार्ड पहनो, स्वास्तिक वो रहा वो रहा चाबी वाले में। हाँ, आई कार्ड, आई कार्ड तो रह गया, भूल गई मैं। वाह, ये स्वास्तिक का आई कार्ड है, कितना प्यारा है। तो फ्रेंड मेरा आई कार्ड है। चलो स्वास्तिक चाबी ले लो पापा की और निकलो, लेट हो रहे हो। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप के बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स आज का जो डे है ये है ट्यूसडे का है फ्रेंड्स, और अभी टाइम हो रहे हैं फ्रेंड्स 1 बज गया है, और मेरा घर का सारा मिनिमम पूरा काम हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह रहा है, बट मैं आपको बता दूंगी। देखो ये मैंने सुबह ही कपड़े डाल दिए थे, जब स्वास्तिक चला गया था ना स्कूल, जब भी मैंने डाल दिए थे 7:30 बजे में डाल दिए थे, और जल्दी सूख गए थे। और ये देखो मैंने मच्छरदानी लगा रखी है यहाँ पर, और रात का इंतज़ाम कर रखा है मैंने, और इस समय पे मैं अभी टीवी देख रही थी, देखो। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, और फ्रेंड्स मैंने आज ना कपड़े हाथ से भी धोए थे, ये देखो ये इतने सारे कपड़े धोए थे हाथ से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से ना कलर निकलते हैं, तो कलर वो है ना फिर बाकी कपड़ों में वो हो जाते हैं, लग जाते हैं। और ये देखो बर्तन वगैरह हो गए हैं, और यहाँ पर खाना वगैरह बन गया है, सब कुछ हो गया है, रोटी वगैरह बना दी मैंने, रख दिया। अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, फिर कपड़े प्रेस करने का मन तो नहीं है मेरी ना, अभी हालत ना बहुत ज़्यादा डाउन से हो रखी है, शक्ल भी कैसी हो रखी है बताऊँ क्यों हो रखी है। ये देखो फ्रेंड्स ना यहाँ पर मेरे, ये देखो छाला पड़ गया फ्रेंड्स मेरे, दिख रहा होगा मैंने आज लिपस्टिक लगाई है, अभी 1-2 दिन से तो नहीं लगा रही थी, इससे ना होंठ भी गंदे लगते हैं, फिर काले काले लगते हैं, और फैल गई लिपस्टिक। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी दवाई लगा रही हूँ मैं अभी इस समय पे, ये देखो ये दवाई लगा रही हूँ, ये है इसकी, उसका छाले की दवाई है, बस से फ्रेंड्स कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। और इस कमरे की अभी तक मैंने चादर नहीं करी है चेंज, अब मैं दूसरी बार जब मशीन लगाऊंगी ना तब इसको धो दूंगी, क्योंकि ना देख देख के भी बोर हो जाते हैं, है ना। मुझे अभी कपड़े डालने हैं, डालने का काम करूंगी,
और फ्रेंड्स ना जब से ठंड का मौसम आया ना, जब से ना धूप धाप ना बहुत कम आती है, जैसे बाहर निकलने पे तो दिखता है लेकिन हमारे यहाँ से ना दिखता नहीं है। तो ये पतली गली है, ऊपर से हर तरफ से ना बिल्डिंग बिल्डिंग है, तो दिखता नहीं है। और मेरी आँख भी यार देखो कितनी लाल हो रखी है, अजीब सी लग रही है ना, खूनी खूनी सी ऐसा लग रहा है। आँख ये जो वाइट पार्ट होता है ना लाल हो रखा है। तो बस यही है। और फ्रेंड्स आज ना ट्यूसडे है, तो मैं सोच रही हूँ शाम के समय पे ना मार्केट चल जाऊँ। शाम को क्या, रात के समय पे थोड़े से सब्जी वब्जी लानी है मुझे, अपनी पसंद की लेकर आ जाऊँगी। और ना दो दिन से मेरे हस्बैंड छुट्टी पे हैं, तो बोल रहे थे वो कि मैं चल देता हूँ, पर मैंने मना कर दिया कि रहने दो तुम, बाद में देख लेना, क्योंकि अभी तक ना बहुत ज़्यादा बिजी थे स्कूल के टाइम के लिए, बट अब थोड़ा सा फ्री हो गए हैं। काम जैसे कि एक महीने तक पेपर थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी, सुबह 10-11 बजे से जैसे स्कूल में भी पेपर चल रहे थे, वहाँ से छुट्टी हो जाती थी, टीचरों की नहीं होती थी, बट मेरे हस्बैंड ना प्रिंसिपल से ना छुट्टी लेकर आ जाते थे, अपने ट्यूशन में पढ़ाते थे, वहाँ से पूरा दिन पढ़ाने, और ना बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत तेज मीर से तेज़ आवाज़ है उनकी, तो बहुत जैसे कि जितनी हम तेज, जैसे हम कोई लड़ाई भी करते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं स्पीड में, है ना, तेज, क्योंकि हम जोर लगा के बोलते हैं। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल जोर लगा के पढ़ाते हैं, तो पूरा दिन से पढ़ाएंगे तो थकान तो हो ही जाती है ना। फालतू की बातें छोड़ देते हो, है ना, जिसका अब उनकी आदत पड़ गई, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं ना। और ये देखो मैंने सूट कैसा रखा है, ये ना प्रेस कर रखा था, तो ये मैंने ना फ्रेंड्स कल पहना था, और कल ना हाँ थोड़ी देर के लिए पहना था फ्रेंड्स, मैंने ना नाइट वाले कपड़े पहन रखे थे, तो मुझे कहीं जाना था तो ये सूट पहन लिया था, और ना लाइट भी नहीं थी, प्रेस करके रखा था, तो फिर ना मैंने सोचा कि ख़राब ना करूँ इसको, यहाँ पर रख दिया, मैंने यहाँ पर टांग दिया काम चलाने के लिए।